आजाद एम्ब्रॉयडरी 08। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा, फुल ट्यूटोरियल। ये हमारा बैक नेक का डिज़ाइन है, ये देखें। और यहाँ पर मैं ये तीन निडल भी आपको दिखा रहा हूँ। ये दो तार की निडल है, दो तार यानी दो धागा, जैसे ये दो धागा उसी तरह से ये दो तार का निडल। इसी से हमारा जरी का भी आउटलाइन होता है और थ्रेड का भी वर्क होता है। और ये 7 नंबर की वुडन की निडल, ठीक है। और ये 7 नंबर की चिरवा नाका की जरदोजी की निडल। तो चले वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, 753 नंबर का गोल्डन जरी है, 753 नंबर। और यहाँ पर दो तार की निडल से मैं इसका फर्स्ट मैं आउटलाइन करूँगा, थ्री लाइन आउटलाइन इसलिए करूँगा क्योंकि अगर बीड्स आगे में रहेगा तो टेलर को प्रॉब्लम नहीं होगा स्टिच करने में। इसके लिए थ्री लाइन थ्रेड का आउटलाइन करना पड़ता है, ये कंपल्सरी करना ही करना है। फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल 3 लाइन आउटलाइन होने जा रहा है कंप्लीट, ये देखें फ्रेंड्स। यहाँ पे ये मोती है हमारा बच वाला 3 नंबर का, ये 3 नंबर का मोती है। और यहाँ पर मोती का स्टिच कर रहे हैं, एक एक मोती करके ही आपको स्टिच करना है क्योंकि ये बड़ी होती है ना मोती। अगर 2 किया 3 किया इस तरह से किया तो फिर ये खुलने के बाद बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। देखें एक एक करके ही मैं स्टिच कर रहा हूँ। इसको निकालने का तरीका भी देख लें किस तरह से निकाला जाता है। अभी हमारा कम था, यहाँ पे 2 ही मोती कम था, इसके लिए निडल में मैंने 2 ही मोती लिया और अभी मोती हमारा कंप्लीट हो गया, मैंने लॉक कर दिया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें सेकंड लाइन भी मोती है हमारा, यहाँ पर अभी सेकंड लाइन हमारा मोती का लाइन होगा। देखें किस तरह से मोती को निकाला जाता है। धागा को पकड़ लेना है इस तरह, से फ्रेंड्स ये मोती का लाइन पूरा कंप्लीट होगा। और फ्रेंड्स, ये शुगर बीट्स हमारा जो है ये ग्लास बीट्स इसको कहते हैं। शुगर बीट्स तो पॉलिश वाला होता है ना, ये ग्लास बीट्स है। इसके कंपनी का नेम ये है ग्लास सीड बीट्स, 450 ग्राम का पैकेट्स आता है ये। और अभी यहाँ पर शुगर बीट्स का लाइन करेंगे, निडिल हमारा वही 7 नंबर का है, जिगजैग की तरह बनाना है मुझे यहाँ पर। मैं तो अंदाज़ा बना रहा हूँ, बट आप मार्क कर लेना, पेंसिल से लिख लेना, वाइट पेंसिल से। देखें यहाँ पर है ना नॉट वर्क किया हुआ है जिगजैग के अंदर। देखें फ्रेंड्स, इसी तरह से जिगजैग आपका बनेगा। सिंपल डिज़ाइन है और अंदाज से भी आप बना सकते हैं, सिंपल में अच्छा डिज़ाइन है। ये देखें बीट्स किस तरह से भरा जा रहा है।
यहाँ पर हमारा जिगजैग का काम भी रेडी होने वाला है। देखें और ये हमारा कंप्लीट हो गया जिगजैग। अभी मैं इस मोती के ऊपर, ये मैंने मोती किया, यहाँ पर एक लाइन बीट आएगा हमारा, यही लाइन। यहाँ पर मैंने मोती लिया है, तीन तीन मोती मुझे लगाना है थोड़ी थोड़ी दूर पे। ये देखें यहाँ पर जिस तरह से है ना, तीन तीन मोती सभी के बीच से एक लाइन का बीट्स का, एक लाइन का बीट्स का लाइन आएगा। फर्स्ट में तीन तीन मोती का लाइन करके ताकि मुझे अंदाज हो जाए कि मुझे कितनी दूर पे करना है, ये अंदाज से ही मैं बना रहा हूँ फ्रेंड। मैं ग्लास बीड्स लिए है और उसका लाइन करूँगा। ये लाइन हमारा मोती से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आप चाहे तो बीट्स को गिन सकते हैं कि कितना बीट्स लगा रहा हूँ मैं। देखिए एक लाइन में 12 बीट्स या 11 है, शायद 11 बीट्स है। इसी तरह से गिन गिन करके बीट्स अगर आप लगाएंगे तो छोटा बड़ा लाइन नहीं होगा आपका, सिमिलर होगा, एक जैसा अच्छा लगेगा। इलेवन बीट्स है और एक एक छोड़ के करना है। ये देखो यहाँ पर एक छोड़ा है ना मैंने, ये वाला यहाँ पर कट बीट्स आएगा जैसे यहाँ पे आया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये गोल्डन लाइट कलर का कट बीट्स लिया है, ग्लास सीट ट्रिपल टू का। और यहाँ पर मैंने जो जगह छोड़ा था बताया था ना आपको, एक एक ये हमारा अभी कट बीट्स का लाइन होगा और ये बीट्स के लाइन से थोड़ा ऊपर होगा। आप चाहें तो इसको भी गिन सकते हैं, अगेन के स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आगे में एक मोती और एक कोट लग जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। और यहाँ पर फ्रेंड्स कट बीट भी मैंने 11 ही लिया है और एक मोती और एक बीट्स, क्योंकि कट बीट्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है बीट्स के मुकाबले। बीट्स राउंड में होता है और गोल गोल सर्कल में होता है ना, ये लंबे में होता है थोड़ा। तो ये 11 देने के बाद भी ये बीट्स से ऊपर ही आया, लंबा हुआ है उससे। सिंपल और आसान डिज़ाइन है फ्रेंड्स, अच्छा और खूबसूरत।
पर मैंने ये धागा लिया है दो यानी छः का 12 12 तार धागा का ये नॉट लगा रहा हूँ मैं। मैंने जो बीट्स का जिगजैग बनाया था ना वहाँ पे ये 12 तार धागा है फ्रेंड्स। निडिल में 6 तार डाला, उसको जस्ट डबल कर लिया तो 12 तार हो गया। उसी का भी ये ना ये जिगजैग का गैप है उसमें नॉट आएगा एक एक। ये कलर अगर अच्छा होता ना तो और भी ज़बरदस्त लगता ये डिज़ाइन, बट ये कलर कुछ खास नहीं है। लेकिन इस ब्लाउज का सारी कलर ही यही है। एक बार घुमाना है फ्रेंड्स, आपको तो पता है नॉट किस तरह करना होता है, लेकिन फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए दूर से थोड़ा एक बार घुमा करके जहाँ से आप निडिल निकालते हैं ना उसी जगह वापस इस निडिल को डालना होता है। ये देखिए जहाँ से आपने निकाला एक बार घुमा करके उसी जगह वापस, या उसके पास भी निडिल लिया तो चलेगा, लेकिन एकदम पास में ही निडिल डालना है। दूर डाला तो नॉट आपका फ्लैट के जैसा हो जाएगा, ऊपर उठ के नहीं आएगा नॉट। और फ्रेंड्स ये फैब्रिक ग्लू से मैं यहाँ पर ये जो हमारा वर्क रेडी हो गया है इस सभी के ऊपर सभी का लगाऊंगा। और यहाँ पर हमारा ये स्टोन है कश्ती स्टोन ऐसा वाला स्मॉल साइज का, ये देखें रेडीमेड स्टोन आता है ये, इसको बस साट दिया तो काफ़ी है, इसमें एम्ब्रॉयडरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टोन यहाँ पर मैं लगाऊंगा काटूंगा। निडल जिस निडल में जिस वुडन में निडल ना हो उसमें मैं थोड़ा सा फेविकॉल लगाता हूँ अब उसके उल्टे साइड में, ये देखें इस तरह से। और स्टोन उठाने में ये आसान होता है इसके लिए। अभी क्या है ना हाथ से अगर किया तो हाथ में फेविकॉल लगता है और वो सही से बैठ नहीं पाता है, इसके लिए निडल से अगर हम करते हैं तो आसानी से उठ भी जाता है और जैसा चाहे वह उससे अपने उसको बैठा सकते हैं और हाथ भी गंदा नहीं होता और कपड़े में एक्स्ट्रा जगह पे फेविकॉल हमारा लगेगा भी नहीं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप वुडन के इस निडिल से ही करें, आप चाहें तो माचिस का तिल्ली होता है ना तो उसमें भी कर सकते हैं, उसके तिनके के साथ फेविकॉल थोड़ा लगा दिया तो काम हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा फाइनल रेडी हो चुका है वर्क। रेडी होने के बाद ये किस तरह का लग रहा है वीडियो में आप ज़रूर बताएं, कॉमेंट में सॉरी सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।